हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग से अपडेट्स में। आज हम लोग आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से एक बेहतरीन इंटरनेशनल एयरलाइंस की वैकेंसी एयर अरबिया कैरियर्स में। तो हम लोग सबसे पहले एयर अरबिया कैरियर्स खोल लेते हैं, इसके अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं। बेसिकली ये उनके लिए ये वैकेंसी आज नहीं है, 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन मैं वीडियोज़ आज डाल रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी अभी भी ओपन है। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, आप लोग के पास वक्त नहीं है, जल्दी अप्लाई कर दीजिए। इसमें देख सकते हैं अभी 1 of 6 में B1 टेक्नीशियन अबू धाबी UAE के लिए है, दूसरा B2 टेक्नीशियन UAE के लिए ही है और B1 टेक्नीशियन है। तो ये पहला वाला मेरे ख्याल से ये अभी क्लोज हो चुका है, B1 टेक्नीशियन अबू धाबी वाला जो है ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ओपन होने दें, हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। हाँ, ये ओपन हो चुका है, इसमें देखते हैं। सॉरी दिस पोजीशन हैज़ बीन फिल्ड। तो ये हम लोग बेसिकली लेट हो चुके हैं, अभी हम दूसरा वाला खोलते हैं B2 टेक्नीशियन UAE। ये वाला अभी जॉब अभी भी ओपन है, खुल जाने देते हैं हम पहले, सबसे पहले इसको। तो हम लोग देख सकते हैं बेसिकली ये जो एप्लीकेशन आया था ये 27 अप्रैल 2022 को आया था एयर अरबिया PJSC G9 कंपनी के लिए, और लोकेशन है शारजा AE, ठीक है, कंट्री AE है। और इसका जॉब पर्पस रहेगा SST इंजीनियर टू परफॉर्म एविनिक्स मेंटेनेंस टास्क ऑन एयर अरबिया एंड थर्ड पार्टी एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन रिपेयर्स एंड कंपोनेंट रिप्लेसमेंट परफॉर्म एंड रिकॉर्ड वर्क अप टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड इन अकॉर्डेंस विद द एयर अरबिया एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये जॉब पर्पस होगा। सिमिलरली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकते हैं, तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस में जैसे कि फर्स्ट वाला क्या होगा, टास्क कार्ड आपको पढ़ने आना चाहिए, रिव्यू असाइन टास्क कार्ड विद द इंजीनियर्स इन चार्ज टू गेन फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क प्रायोरिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड कॉशन प्रायर टू स्टार्टिंग द वर्क, ये तो आना ही चाहिए आपको। टास्क कुल मिला के टास्क कार्ड रीड करना आना चाहिए। सेकेंड जो है वो प्रिपेयर एंड परफॉर्म शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू असाइन टास्क कार्ड, ensuring that the required documentation and parts, tools and GAC are obtained and used per issued instructions. थर्ड जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा ये रहेगा कैरी आउट एयरक्राफ्ट टेस्ट एंड इंस्पेक्शन टास्क एंड द स्टैंडर्ड नेसेसरी टू फुल्ली आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड एनी डिफेक्ट और डैमेज इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर। फोर्थ रहेगा कैरी आउट रिपेयर मेंटेनेंस रिपेयर कंपोनेंट रिप्लेसमेंट एंड टास्क एज इंस्ट्रक्टेड बाय द असाइन टास्क कार्ड्स फुल्ली इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड डेटा एंड प्रोसीजर्स एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर इन चार्ज। इंश्योर प्रॉपर टूलिंग इक्विपमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम स्टोर्स टू परफॉर्म टास्क रिटर्निंग ऑल ऑफ इट इन गुड कंडीशन फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ द वर्क। रेगुलरली रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ असाइन टास्क टू द इंजीनियर इन चार्ज एंड अलर्ट हिम और हर टू एनी प्रॉब्लम्स विद एयरक्राफ्ट कंडीशन और विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। Demonstration demonstrates high level of consideration of housekeeping standards in all tasks performed. Key results and responsibility continued ऊपर जो हमने किया सेम होगा। Manage the safety of all assigned maintenance tasks. Ensure all published mandatory precautions are taken prior to commencing work and during task execution. Takes positive step to protect self and other person in the area of the maintenance activities from any possible injuries, including the use of proper GAC and protective equipments. Pay attention to human factor aspects of the maintenance, ensuring that work interruption procedures are followed and the adequate access and lighting is used for maintenance and inspection. Reputation and teamwork. अब teamwork सबसे ज़्यादा important है human factor में। तो internal customer services provides helpful information and support to own team and to other department personnel involved with the managing scheduled aircraft checks. Representing Air Arabia presents a positive and competent image of technical professionalism to other companies, professionals and ABY customers. Cost awareness, maintain positive awareness to the cost of the aircraft maintenance includes use of time and materials, minimizes unnecessary waste of consumable materials and part repair cost by the avoiding unnecessary damage and repeat work during maintenance. Qualification kya hai? Qualified and experienced civil aircraft maintenance technician hona chahiye. ठीक है, एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश टू अ गुड स्टैंडर्ड फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, एबल टू डेमोन्स्ट्रेट सॉलिड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवेनिक्स मेंटेनेंस थियरी एंड प्रैक्टिस, एबिलिटी टू ऑब्टेन UAE ड्राइविंग लाइसेंस में, अगर जो आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो UAE में वो चलता है,
वर्क एक्सपीरियंस जो यहाँ पे जो पूछा गया है एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहा है। परफॉर्मिंग मेंटेनेंस ऑन लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट प्रेफरेबली एयरबस, एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लाइन और बेस मेंटेनेंस, गुड एवनिक्स मेंटेनेंस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एबल टू डेमोन्स्ट्रेट गुड सॉलिड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवनिक सिस्टम मेंटेनेंस थियरी एंड प्रैक्टिस, कम्पिटेंट यूजिंग स्पेशलाइज्ड एवनिक टेस्ट इक्विपमेंट्स कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। तो दोस्तों ये एक जॉब एप्लीकेशन है UAE में, अगर जो आप एवनिक्स टेक्नीशियन हो या फिर आपके पास B2C इंडियन इंडिया में आपने DGCA से B2C पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, ये ओपन है, क्लोज होने से पहले जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अगर जो आपको लाइक ऑफर लेटर वगैरह आ जाए तो एक बार चैनल पे आके इन्फॉर्म जरूर कर देना, मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर जो मेरे चैनल के थ्रू अगर जो किसी को इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो कोई एयरलाइन में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आई लव दैट, थैंक यू सो मच।